लिफाफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग। बाय द वे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा मसला मैं खुद संभाल लूंगा, बना लूंगा उसको। हादी, ये बात करने का कौन सा तरीका है? प्रॉब्लम किस बात से? बात से या तरीके से? हादी, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? Come on, Dad. Easy. Calm down. क्या हुआ है? गुस्सा क्यों हो रहे हैं? Relax. गुस्सा नहीं कर रहा, वार्न कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो फिर आज मैं भी आप लोगों को वार्न कर देता हूं। खाने के मामले में हमारी जद्दी पुश्ती के मरवाने और उठवाने के तरीकों से गुरेज कीजिएगा। खाने मेरे दिल में बसती है, उसको अब इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप और अब ना वो खुद। चल डैड, चल। It's all good. Relax. खानी, खानी बैठ जाओ गाड़ी में, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे खानी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। यही नजर है तुम्हारी खानी, जो जबरदस्ती भी कर सकता हूं। मैंने चीख मारी ना तो लोग तो यहां जमा हो ही जाएंगे, फिर तुम्हारा नाम और तुम्हारे बाप की सीट सब मिट्टी में मिल जाएगी। जो चिंगारी जिन तुमने मेरी मां को डराकर और मेरे बाप को अपाहिज बनाकर दबा दी थी ना, उसको हवा मत दो मीर हादी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही उसमें जलकर राख हो जाओ। सोनिया, सोनिया।
सलमान, सलमान क्या 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 कह रहे हो? सोनिया सब गीला हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सब साफ कर दूंगी। सॉरी, वो केबल वाला आ गया था ना, इसलिए देर हो गए। तुम क्यों सॉरी कर रही हो? सॉरी तो मैं हूं तुम सबसे बीमार लाचार, बोझ बन गया हूं तुम सब। आप हम पे बोझ नहीं है, आपका साया ना हम पर हमेशा रहे, बस दिल चुका नहीं करते, थोड़ा सा शाबाश, बस आप इधर आराम से बैठे, मैं साफ कपड़े लेकर आई, बस दो मिनट हाँ कुछ। तुझे नहीं लगता हादी ये टाइम वेस्ट है? चल ना यार पार्टी में, चल पार्टी में चल के आयशा को देख यार, वो बिल्कुल तैयार है। हादी क्या हो गया? अब ऐसा क्या कह दिया मैंने यार? यहाँ ये लड़की घास नहीं डाल रही है और वहाँ वो एक इशारे की मुंतजर बैठी है, चल ना यार। तो मैंने उसे कहा तैयार बैठने को। अली तुम ईशा की बात सुन रहे हो और अपने दोस्त से दगाबाजी कर रहे हैं, कमाल है यार। अली मेरी रगों में भी मीरशाह का ही खून दौड़ता है, वो जितना गिर के सोच सकता है ना मैं भी उतना ही गिर के सोच सकता हूं, और तू मेरा दोस्त है मेरा ही रहे। छोड़ मीरशाह वीरशाह को, ये किसी के नहीं होते यार, बहुत तेज है तू। और आयशा को क्या कहूंगा? उसको बोल दे आयशा का प्लान चौपट हो गया, मीर हादी जीत गया। अच्छा जल्दी कर, मुझे ये पूल पहुंचाने हैं। किसके लिए? सनम बीबी आपके लिए आए थे। मेरे लिए कौन देकर गया? डिलीवरी वाला लेकर गया। इत्तेफाक है या कोई वाकई मुझे छुपकर फूल भेज रहा है? सुबह अस्पताल में, शाम में रेस्टोरेंट में, नहीं नहीं इत्तेफाक तो नहीं है ये। फिर है कौन, क्यों अपना नाम नहीं भेज रहा फूलों के साथ? पागल हो गई हो खानी, क्यों सोच रही हो ये बेहुदा बातें? अगर कोई भेज भी रहा है तो तुम क्यों सोच रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो अपना? मैंने तुम्हारे बाबा के एक्सप्रेशन भी चेक किए एंड मैं तुम्हारे भाई के एक्सप्रेशन भी चेक किए, अच्छे थे, बड़े हैं, मगर माँ के जो एक्सप्रेशन थे मामा के। सब कुछ कितना बदल गया है ना सारा।
सब कुछ बहुत फीका हो गया। खानी भी कितनी बदल गई है ना, अब हम हंसते ना मजाक करते। सना तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना कि अगर हम हंसेंगे बोलेंगे तो बाकी सब लोगों को कितने ढीठ लगेंगे? लेकिन जिंदगी भर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम हंसे ही ना। हो भी सकता है जब आपकी जिंदगी इतना अनएक्सपेक्टेड झटका खाती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मामा कहती हैं कि वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता और हर वक्त एक सा नहीं होता। देखो आज हम इतने नॉर्मल हो गए, कुछ दिन बाद और नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ तब तक आदत जो हो जाएगी सारे भाई के बगैर रहने की। पता नहीं, चलो चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। जी हाँ, वो रूम नंबर 14 है। ओके अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो लड़की? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। भाई कौन है ये रोज रोज तुम्हें गिफ्ट्स भेज रहा है? ये मेरे लिए है। और क्या, अभी डिलीवरी बॉय आया था, ये चॉकलेट्स और फ्लावर्स लेकर गया है। मुझे सीरियसली नहीं पता ये कौन भेज रहा है। तुम नहीं जानती? जानती तो तुमसे थोड़ी पूछती। मतलब नो बॉयफ्रेंड? कम ऑन यार। स्ट्रेंज, बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। तो लव स्टोरी प्लीज, मेरे पास इन फालतू चीजों का कोई टाइम नहीं। तुम्हें खाना है तो खा लो। ओके, तो फिर ये चॉकलेट्स तो मेरी और ये फ्लावर्स और ये कार्ड ना ये तुम्हारा। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। तुम्हारा नाम मैंने अपनी लकीरों पर लिखवा लिया है खानी, अब तुम जितना चाहे लड़ लो, मैं तुम्हें इन लकीरों में उलझाता चला जाऊंगा और तुम उलझती जाओगी। मुझसे मोहब्बत करती चली जाओगी, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं हर जगह छोटे मीर साहब के साथ था, बड़े मीर साहब बात आगे बढ़ रही है, तोहफे भेजे जा रहे हैं, फूल भेजे जा रहे हैं, मिठाइयाँ भेजी जा रही हैं। वो जहाँ जहाँ जाती है छोटे मीर साहब साये की तरह उसके पीछे होते हैं, और कोई काम ही नहीं है। Oh my God! This boy is going to be in big trouble.
वो लड़की कुछ भी कर सकती है, किसी से बात कर सकती है, लोगों को बता सकती है, मीडिया में खबर कर सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल। वो लड़की मर भी तो सकती है। नहीं निशा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। आपको याद है हादी ने उस दिन क्या कहा था? हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करूं? उसकी धमकियों से डर जाऊं? जो वो बेवकूफियां कर रहा है उसको करने दूं? सीट छोड़ दूं अपनी में, मट्टी में मिला दूं अपनी इज्जत सारी? मैंने ऐसे कब कहा है? और क्या कह रही हैं आप? अब यही कह रही हैं ना कि हम अपने खानदानी तौर तरीके इस्तेमाल ना करें? ठीक है, नहीं अपनाते। हमारे खानदानी तौर तरीकों में एक्सीडेंट तो नहीं आता ना? लड़की एक्सीडेंट में तो मर सकती है। एक्सीडेंट में तो कोई भी मर सकता है। मीर हादी के दिल में बसी है वो लड़की, उसके दिल से तो नहीं निकल सकते। अगर उसकी जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा। अब जब जुर्म की जिंदगी में कदम रख दिया था तो फिर जुर्म से इज्तनाब क्यों? अंदाज़े फिक्र में एक खास तब्दीली पैदा हो गई थी। इसने सोचा था कि 20 लाख रुपए की रकम के हसूल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बाबा वो मुझे कुछ बात करनी। मेरी चीजें कहाँ? पकड़ो अपनी चीजें। मामा मुझे लगता है अपनी स्टेशनरी खा जाती है, हर दो दिन बाद नहीं लेके आनी पड़ती। अच्छा ज्यादा मुंह छोड़ने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और खानी तुम भी ना बिगाड़ रही हो इसे। भाई मैं तो यहाँ से जा रही हूँ अपना असाइनमेंट करने, यहाँ का माहौल तो मेरे लिए गर्म ही होता जा रहा है। बेटा क्या बात है? बाबा मैंने आपको डॉक्टर्स का बताया था ना, वो लोग नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। मैंने हॉस्पिटल में आपके लिए बात कर ली है, वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी बेटी हमारा बेटा भी बन गई है। जी बन गई हूँ, हम दोनों एक ही तो थे, इसीलिए आप दोनों के पास एक ही दिन आए थे। अब प्लीज रोना मत शुरू कर दीजिएगा। अच्छा खैर, बाहर से बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं बाबा, मैं उनसे आपका केस डिस्कस करूंगी। मामा मुझे यकीन है कि बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे। यार हादी, यार रेस शुरू हो जाएगी, बाद में पहुंचा देंगे ना? नहीं, ये गिफ्ट अभी पहुंचाने उसको, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अरे कोई कसम खाई है तूने? हाँ कसम खाई है। तो वैसे तुझे क्या लगता है, तेरे इन सब तोहफों से बढ़ जाएगी वो? बात सुन अली, मैं उसे पटा नहीं रहा हूं, अपना प्यार जता रहा हूं। और आज के बाद ये लाइन बोलने से पहले ना सोचना। अच्छा छोड़ ना यार, वही मतलब था मेरा। मैं तो बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी ये सारी चीजें बगैर किसी नाम के जा रही हैं, कल जब उसे तेरा असली नाम पता चलेगा तो तुझे क्या लगता है मान जाएगी वो?
मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूँ कि ये सारी चीजें उस पर अपना असर जरूर छोड़ेंगी, और एक दिन उसका दिल धड़केगा, और जिस दिन उसका दिल धड़केगा वो मेरी, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका मेरा नाम भी पता चल जाए, अपने दिल से कैसे बुलाएगी मुझे। यार मुझे नहीं पता था मेरा दोस्त निरहादी प्यार का इतना बड़ा प्लानर है, ये साइड ना तुम्हारी अलग है दोस्त। का करम है सनम पर। हाँ सर पे कुछ चोट और खराशें आई हैं लेकिन ठीक हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ बस बेहोश हैं लेकिन कुछ ही देर में होश आ जाएगा। अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी है खानी को। अल्लाह का शुक्र है। खानी से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब मैं ले जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप रूम में जा सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात और, आप दिल की फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हमारे ऑनर ने कहा है कि इलाज का जो भी खर्चा होगा वो हम करेंगे। शुक्रिया। चल अरे जोड़े मिनिस्टर साहब, एक काम आपसे बोला था आपने वो भी नहीं करवाया, अब तक तो उसकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी। मुझे माफ कर देता हूँ, मुझे माफ कर देता हूँ, मुझे बहुत बहुत मारा, बहुत मारा, मुझे बहुत मारा, मुझे मुझे बहुत मारा। क्यों किया? क्यों किया? आगे बेटा। बस। मैंने मना किया था ना, आदि आवाज ऊंची करके बात मत करें, मैं भी कह सकता हूं आदत करो, अब यही रह गया है, एक दो टके की लड़की की खातिर तो वो दो टके की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहां रहती है, यहां रहती है, क्या मना किया था ना? Thank you.
प्लीज आदि ऐसे नहीं करना। नहीं नहीं मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करो। मना किया था मैंने आपको। आदि खानी बिल्कुल ठीक है। हाँ हादी वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे भी देख के आया हूँ, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे चोटें भी नहीं आई है। तो मेरे साथ अंदर चलो। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मत रोए आप। बेटा हमेशा ही ठीक रहो, तुम्हारे ऊपर आने वाली हर बला मुझ पर आ जाए। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? फिर पापा का ख्याल कौन रखेगा? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। अल्लाह ताला सब देख रहा है, फिर भी आप भी तो कहती हैं कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। खानी प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बस रेस्ट करने दो खानी को। आप लोग घर जाएं, मुझे सुबह तक छुट्टी मिल जाएगी। चाहे मामा। लेकिन बेटा आप परेशान ना हो मामा, मैं और सना खानी का ख्याल रखेंगे, आप जाएं घर। Thank you.
हादी, मामा से क्यों नाराज हो? बस भी कर दो। मैं बस कर दूं या आप बस कर दें? और ये हमेशा बस कर दें। हादी, वो तुम्हारे बाप हैं। जानता हूं मां, जानता हूं, तभी तो अब तक सांसें चल रही हैं। ज़बान संभाल के। क्या हुआ मां? मीशा की जान जाने की बात बुरी लगी ना मां, क्योंकि आप प्यार करती हैं उनसे। इसी तरह मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब आपने और मीशा ने खाने की जान लेने की कोशिश की थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं खानी से प्यार करता हूं। मैं खानी से प्यार करता हूं। खानी का इस दुनिया से जाने का मतलब हादी का इस दुनिया से जाना। रब किस्मत।